एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनअकैडमी नीट गाइस। कैसे सब बच्चे? हाय गाइस, लेट मी स्किप द एड। ओके, यस, हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि मैं रोज बोलती हूँ, आई होप बेटा आप जहां भी हैं सुरक्षित हैं एंड बिल्कुल सेफ हैं। यस बेटा, क्या लगता है पूरा दिन सोती हूँ? हैं, मैं हम सो के उठी क्यों सो के उठूंगी? हैं, तुम सोते हुए चलिए तुम्हें सब सोते हुए दिखते हैं। वी आर वर्किंग पीपल हैं, बहुत सारी क्लासेस होती है हमारी, हम काम करते हैं, ठीक है? तुम लोग बस पढ़ते नहीं हो, हम तुम्हें पढ़ाते हैं अलग अलग क्लासेस में। अब बताओ, अब सब सही है? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है, आई होप बेटा आप सब ठीक है एंड आप सब रेडी है टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कल मैंने वो जो सेशन किया था ना बेटा, बहुत ही मजा आया। जो अपने ने आस्क मी एनीथिंग किया था, डिड यू अटेंड द सेशन? बहुत अच्छा लगा कि जो बहुत कॉमनली आस्क्ड चीजें हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो चीजें जानने में, उस पर हमने चर्चा की, परिचर्चा की एंड उसमें बहुत बच्चों को बेनिफिट भी हुआ। बहुत बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया दैट दे रियली लव्ड दैट सेशन, क्योंकि उसमें उनके जो छोटे छोटे डाउट्स थे, बोर्ड्स और नीट को कैसे गने, नोट्स कैसे बनाए जाए, तैयारी के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, पहले प्रैक्टिस करना है बाद में करना है तो कहाँ से करना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, ये सब जो बच्चे भी मतलब स्पेशली पूछते रहते हैं ना, मैं कहाँ से शुरू करूँ, रूटीन क्या रखूँ, कितने बजे सोऊँ, ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी एंड इट वॉज अ गुड इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। एंड आफ्टर सीइंग द रिस्पॉन्स, आई एम प्लानिंग कि हम हर मंथ एटलीस्ट एक आस्क मी एनीथिंग जरूर करें। क्या लगता है? यस, हर मंथ कम से कम एक आस्क मी एनीथिंग तो होना चाहिए जिसमें आप मेरे से कुछ भी पूछ पाए। और YouTube वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डाउट्स पूछना, प्लस वाले और जो स्पेशल क्लास पे आते हैं उनको तो पता है यार कैसे डाउट पूछते हैं, क्योंकि स्पेशल क्लास का लिंक आपको पिन किया हुआ मिल जाता है, वहां पे एक सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मतलब अलग से डाउट्स दिखते हैं। बट YouTube के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये मुझे ओनली ऑप्शन मिला जहां पर आप थोड़ा सा मेरे से इंटरेक्ट कर पाए, तो हम क्या करेंगे इसको मोर ऑफ्टनली क्या करेंगे, ठीक है? जैसे कि कल हमने स्पेशल क्लास किसी डाइजेशन की, क्या मतलब धमाकेदार लीडर बोर्ड अपना बना था। आज भी स्पेशल क्लास है, यानी कि क्विज की क्लास है राइट आफ्टर द यूट्यूब। उसके बाद आपको आधे घंटे का बस मैं गैप दूंगी, मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट्स का ही गैप मिलेगा। कितने बजे? 4:45 पे अपनी स्पेशल क्लास है बेटा, उसको जरूर अटेंड करना, ब्रीदिंग की ही है। आज तक जितना हम कर लेंगे, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा, हो सकता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी हो जाए, जितना अभी अपना हो गया है उतने तक बेटा उसका टेस्ट होगा एंड उसके डाउट्स होंगे। कल मैंने जान के ज्यादा डाइजेशन के डाउट्स नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे पता था आज मैं इसके डाउट्स लेने वाली हूँ। तो आपके अब तक जितना, मुझे लगता है 60% चैप्टर आज हो जाएगा, 60% चैप्टर में आपके जितने भी डाउट्स बनते हैं वो पूछ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन, तो आप सब बच्चे एनरोल कर लीजिए जब तक मैं मेन पेज तक आती हूँ। एनरोल करने के लिए आपसे वो कोड पूछेगा, कोड आपको पता है मैम का, कोड क्या लगा देना है? सीप लाइव, ठीक है, मेरा नाम है, आगे लगा देना लाइव, पिन कर दिए क्लास। बाकी जो बच्चे मैम को नहीं जानते, माय नेम इज सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अन एकेडमी नीट। आप एवरी डे बेटा मैम के सेशंस देखते हो कि नहीं देखते? 3 PM और YouTube, 4:45 PM ऑन स्पेशल क्लासेस, ठीक है? तो ये एवरी डे हमारा सेशन होता है, आप अटेंड कर सकते हैं। प्लस की क्लास भी रोज होती है, प्लस यानी कि आइकॉनिक मैम से आके डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा प्लस के। प्लस के बारे में बता रही थी कि मैम आपका बैच क्या है, मैं अपने आप को मैम बोल रही हूँ, ठीक है? मेरे बैच का नाम है बेटा वही जो आपके साथ है, दैट इज मेधावी 2.0 बेटा नाम है, क्योंकि नया मेधावी बैच स्टार्ट हुआ, बिल्कुल फ्रेश, यस, फ्रेश मेधावी बैच बेटा स्टार्ट हुआ है 22nd of October को ही। अभी मेरी तीन क्लासेस ही हुई हैं उसमें, तो आप बेटा उसका हिस्सा बन सकते हैं। प्लस में भी है वो, आइकॉनिक में भी है, क्योंकि वहां पर जो है ना आपको हर तीन क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, आपका एक अलग टाइप का इंटरेक्शन होता है, आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। आइकॉनिक वालों को तो हार्ड कॉपी भी मिलती है, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, पर्सनल गाइडेंस है, आप अपने डाउट्स बेटा हमसे ऑडियो में पूछ सकते हैं, लाइक जैसे फोन पे बात नहीं करते बिल्कुल वैसे, और आप तो मुझे देख भी पाओगे, आई कांट सी यू बट यू कैन सी मी, ठीक है? तो एनरोल करने के लिए मेधावी और सारे अनअकैडमी के जितने भी बैचेस हैं सब में एनरोल करने के लिए बेटा दिस इज द कोड दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइव। आप अगर ये यूज करेंगे, आप मेरे साथ साथ सब बैचेस, सब टीचर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग विल बिकम एक्सेसिबल टू यू। सो दिस इज अ काइंड ऑफ
विन विन सिचुएशन, ठीक है, मेंटोरशिप भी मिल जाती है और आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिल जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं विद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक बहुत बच्चों को रिक्वेस्ट चल रही थी, रिक्वेस्ट थी कि मैम हमें ना हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी की रीड कराया करो। कौन कौन बच्चा ये चाहता है, कौन बच्चा ये चाहते हैं कि हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी रीड कराया करो? यस, हु वांट्स दिस एक बार बता दो। है हर चैप्टर के बाद आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी रीड कराई जाए? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, आई फॉरगॉट हाउ। यस, कौन चाहता है कि हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी रीड कराई जाए, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था? हमने फर्स्ट चैप्टर किया था एनिमल टिश्यूज की भी हमने एनसीईआरटी रीड की थी। अगला चैप्टर हमने किया था बायोमोलिक्यूल्स, तो आज बायोमोलिक्यूल्स की एनसीईआरटी रीडिंग है। मैं नहीं चाहती थी कि इस ड्यूरेशन में, यानी कि ये 3 बजे वाले स्लॉट में हम एनसीईआरटी रीड करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चैप्टर चल रहा है, मुझे ब्रेक लगानी पड़ती। इसीलिए बेटा आज आपकी 7 बजे, यस 7 PM पे देयर इज एनसीईआरटी रीडिंग, एंड ये एनसीईआरटी रीडिंग आज है बायोमोलिक्यूल्स की, एंड परसों होगी डाइजेशन की। टाइमिंग्स मैंने आपके इवनिंग के ही रखे हैं, जिस टाइम पे आस्क मी एनीथिंग सेशन था उसी टाइम पे बेटा आपकी एनसीईआरटी रीडिंग है। तो 7 बजे कोई क्लास भी नहीं होती है, बिल्कुल फ्री होते हो, तो आप रिवाइज करके आइए चैप्टर को। हम यहाँ एनसीईआरटी से एक बारी पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन बेटा वी विल मूव अहेड। ओके, 7 PM एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स टुडे ओनली। इफ आई कैन सिट, व्हाई कांट यू? है ना, बच्चे बोलते हैं मैम बहुत क्लास हो रही है। बेटा टीचर भी तो कितना क्लास लेता है? अभी क्लास है, फिर एक स्पेशल क्लास है, फिर एक एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास है। कई बार हो जाता है, सम डेज आर मोर बिजियर देन द अदर वन, सो इट इज ओके, है ना। ट्राई टू अडैप्ट टू दिस काइंड ऑफ चेंजेस, टू दिस काइंड ऑफ प्रेशर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते बेटा ब्रीदिंग से। हाँ जी, तो ब्रीदिंग में अपने ने क्या डिस्कस कर लिया था? वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द होल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा आप जान चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टिल योर एल्वियोलाई। ये जो लास्ट में आपका स्ट्रक्चर बन रहा है एल्वियोलाई तक, आप इस चीज को समझ चुके हैं, ठीक है। आज हम, कल क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। क्या डिस्कस किया था बेटा? ब्रीदिंग का मैकेनिज्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेट मी शो यू। हाँ जी, कल हमने ये वाला प्रोसेस डिस्कस किया था, राइट, दैट इज इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। क्या ये सारी चीजें सबको क्लियर थी? इज दिस कॉन्सेप्ट, द होल द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, द फिजिकल प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन? है ना, बताओ यार एक बार, तभी आगे बढ़ेंगे। तुम लोग हाँ बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे, ना बोलोगे तो दोबारा करेंगे। नहीं बेटा, एनसीईआरटी रीडिंग यूट्यूब पे होगी रोशनी, यूट्यूब पे 7 बजे, आज यूट्यूब पे 7 बजे सेशन ऑलरेडी बना हुआ है। आप इस चैनल में जाएंगे तो उसको वो कर लिया करो ना, वो क्या होती है, बेल, हाँ बेल, रिमाइंडर लगा लिया करो उसका। ओके, यस, चलिए, तो वी आर डन विद द प्रोसेस ऑफ दिस, क्या नाम था प्रोसेस का आपने? हाँ जी, ब्रीदिंग के प्रोसेस बेटा हम कर चुके हैं। और मैंने आपको कल क्या कराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कराई थी, ये चीज है ना। वी हैव ऑल्सो डिस्कस द पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। आज इसके क्वेश्चन होने हैं बेटा, बड़े अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। IRV क्या है, VC क्या है, IC क्या है, RV क्या है, FRC क्या है, ये वाला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, स्टार्ट करें। यस, लेट अस स्टार्ट विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था, पहले हम हवा अंदर लेते हैं, दैट इज द ब्रीदिंग पार्ट, इनहेलेशन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग। फिर वो हवा अंदर कहां पर पहुंची?
हवा अंदर पहुंच गई बेटा आपके लंग्स में, यहां तक पहुंच गई। अब यहां पे तो नहीं रखना ऑक्सीजन, इसके आसपास क्या प्रेजेंट है बेटा, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से उठ के आपकी ब्लड वेसल में जाएगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई द गैस इज मूविंग, किस वजह से यहां से CO2 उठ के वापस लंग्स के पास जाएगी, वापस एल्वियोलाई के पास आएगी। दिस इज द एक्सचेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दैट मींस दो जगह पे एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। एक तो बात कर रहे हैं एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, कि यहां पर ऑक्सीजन है यहां कैसे आया। देन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यूज। ठीक है, अगर ब्लड वेसल के पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन टिश्यूज के पास कैसे गया, क्यों एक गैस मूव करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उस गैस को मूव कराने में मदद करते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो जब भी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज पार्शियल प्रेशर। गैस मूव तभी करेगी बेटा इफ देयर इज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। अगर क्या है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस का क्या मतलब है, गैस तभी मूव करेगी इफ एट वन प्लेस देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड एट अदर प्लेस देयर इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अगर तो ये सिनेरियो बनता है, इन दैट केस गैस विल मूव, अदरवाइज द गैस विल नॉट मूव। यानी कि अगर आप चाहते हो कि गैस को एल्वियोलाई से लेकर ब्लड वेसल में लेकर जाना है, कौन सी गैस को, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन की बात कर लेती हूँ, अगर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से लेकर ब्लड वेसल के पास लेकर जाना है, तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, तभी मूव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इफ़ यू वॉन्ट कि द ऑक्सीजन शुड फ्लो फ्रॉम ब्लड वेसल टू टिश्यूज, वो तभी पॉसिबल है इफ देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड वेसल एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, ओनली देन इट विल मूव, अदरवाइज इट विल नॉट मूव। सो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस दैट द गैसेस शुड हैव इन ऑर्डर टू गेट एक्सचेंज्ड। इज दिस क्लियर कि एक्सचेंज के लिए ये डिफरेंस होना जरूरी है। हाँ जी, एक्सचेंज के लिए बेटा ये डिफरेंस होना जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप कभी भी एक्सचेंज चाहते हो तो वो गैस ज़्यादा इजीली एक्सचेंज करेगी जो ज़्यादा डिफ्यूजेबल है, जो ज़्यादा सॉल्युबल है। सो द गैस विच विल फास्टली एक्सचेंज इज द वन जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मोर देन इट इज गोइंग टू एक्सचेंज फास्टर। यस बेटा, इट इज गोइंग टू एक्सचेंज फास्टर। बात समझ आई? हाँ जी बताइए। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो तेज़ी से एक्सचेंज करेगी, करेगी सब यार, अगर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस आ रहा है तो वो एक्सचेंज करेगी करेगी, लेकिन जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छे से फास्ट स्पीड से एक्सचेंज करेगी। अब बात करते हैं यार अपनी फेवरेट गैसेस की जिनसे हमने यहाँ पर डील करना है, ऑक्सीजन एंड CO2। आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, हू सॉल्युबिलिटी इज मोर, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? इट इज एक्चुअली CO2। सॉल्युबिलिटी of CO2 is 20 to 25 times more than that of oxygen. Yes, बेटा, जो CO2 है उसकी solubility 20 to 25 times बेटा ज़्यादा है as compared to oxygen. इसको highlighted रखना, याद रखना। दूसरी चीज़ बेटा, gas हमेशा move करती है from the region of high partial pressure to the region of लो पार्शियल प्रेशर। ओके, हाँ जी, अगली चीज आती है, अगर मेम्ब्रेन थिक होगी तो ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज करेगा या थिन होगी तो ज्यादा अच्छे से करेगा, बताओ। कल भी डिस्कस किया था। इफ द मेम्ब्रेन इज थिन देन मोर इजी एक्सचेंज और इफ द मेम्ब्रेन इज थिक देन मोर इजी एक्सचेंज, बताइए। अच्छा मिस्टर एक्स, यहां पे मूवी चल रही है, कौन सी मूवी थी वो? ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत है बेटा, एक क्लास की कीमत तुम क्या जानो मिस्टर एक्स, है ना? यहाँ पे सिंदूर विंदूर तो नहीं चल रहा, बट एक क्लास की कीमत तुम क्या जानो। एक क्लास की कीमत बेटा 8 नंबर भी हो सकती है, 16 नंबर भी हो सकती है। 16 नंबर से आपका रैंक हजारों पीछे जा सकता है, तो ये है एक क्लास की कीमत। हजारों पीछे चला गया तो बेटा कॉलेज मिलेगा कहीं प्राइवेट जाके, फिर वहां से नौकरी भी मिलेगी उसी टाइप की, ठीक है, खूब पैसा भी लग जाएगा और बेटा हमारा ड्रीम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये है एक क्लास की कीमत,
ठीक है, अब ये तुम क्या जानो, जानते होते तो यहाँ डायलॉग ना लिखते, है ना? हाँ राइट बेटा, ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो गोइंग टू चेंज और गोइंग टू अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. सो मेम्ब्रेन शुड बी थिन. जो मेम्ब्रेन है एक्सचेंज वाली, याद है बेटा एक्सचेंज वाली मेम्ब्रेन कल डिस्कस की थी. लेट मी जस्ट शो यू इन येस्टरडेज क्लास वी मेड दैट मेम्ब्रेन. येस दिस वॉज द मेम्ब्रेन. डू यू रिमेम्बर गाइज? एक्सचेंज अल्टीमेटली कहाँ से होना है? ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज होना है. कहाँ से होना है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज होना है, जिसमें पहले नंबर पर आएगा द स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ द एल्वोलाई, देन द बेसमेंट सब्सटांस, एंड देन बेटा द स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल. तो एक्सचेंज के लिए तीन बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे. जितनी पतली एक्सचेंज वाली मेम्ब्रेन होगा उतना ही आसान होगा आपका एक्सचेंज होना, ठीक है? उतना ही आसान होगा बेटा एक्सचेंज होना. और एक्चुअली में यहाँ पर जो थिकनेस है ना, दैट इज 0.2 mm. सो लेट मी जस्ट राइट द थिकनेस ओवर हेयर. द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज 0.2 mm, ठीक है? हाँ जी, यस बेटा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज. अब एक्चुअल एक्सचेंज स्टार्ट करते हैं अपना. यहाँ पर द मेम्ब्रेन और द एक्सचेंज जहाँ से हो रहा है दैट शुड बी थिन. ये हमने डिस्कस कर लिया है. अब एक्सचेंज जहाँ जहाँ होना है बना लें. सबसे पहले बनाते हैं बेटा आपका एल्वियोलाई. दिस इज द एल्वियोलाई, राइट? दीज आर द ब्लड वेसल्स. लेट मी जस्ट ड्रॉ द ब्लड वेसल, ठीक है? एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. देन दिस इज द टिश्यू, ठीक है? दिस इज द टिश्यू. सो एल्वियोलाई है, देख रहे हो एल्वियोलाई है. ये आपका ब्लड वेसल सिस्टम है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मैंने ब्लड वेसल बना दिए, और ये सारे आपके क्या है? टिश्यूज हैं. सबसे पहले हवा, हवा यानी कि ऑक्सीजन की हमें बात करनी है. इनहेलेशन की बात कर रहे हैं तो पहले बेटा ऑक्सीजन यहाँ आनी चाहिए. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन शुड एंटर टू द एल्वियोलाई, पहली चीज. देन फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑक्सीजन शुड एंटर इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ध्यान से सुनना बेटा, अब वाली चीज अब ध्यान से सुनना तभी समझ आएगी. दोबारा सुनो. फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये बाहर एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन शुड एंटर इनटू द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन शुड एंटर इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओनली देन इट विल मेक द ब्लड ऑक्सीजनेटेड. Then the oxygenated blood will come near the tissues, and now from the oxygenated blood the oxygen should travel into the tissues. ऑक्सीजन को ये पाथवे ट्रैवल करना पड़ेगा अगर वो पहुंचना चाहता है टिश्यूज तक. क्या ये चीज समझ आई? बता दो येस और नो करके. येस गाइस, बताइए येस और नो करके बताइए मुझे चैट सेक्शन में. ऑक्सीजन वाला पोर्शन समझ आया? अभी मैंने CO2 नहीं बताया. ऑक्सीजन को कहां से कहां घुमाना है मैंने ये बताया. हाँ जी बताइए. कम ऑन गाइज, प्लीज आपस में बात मत करो, मेरे से बात करो. टॉक टू मी. ओके, यस यस, ओके, ठीक है. चलिए, तो ऑक्सीजन को मूव कराना है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि ये ब्लड को क्या बना दे? ऑक्सीजनेटेड. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा टिश्यू के नीचे पहुंचेगा, एंड अल्टीमेटली कहां पहुंच जाए? टिश्यू में पहुंच जाए. ऑक्सीजन ये पाथ तभी ट्रैवल करेगा इफ देयर इज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस. अगर आपके एटमॉस्फेयर में हाई पार्शियल प्रेशर होगा एज कंपेयर टू एल्वियोलाई तभी जाएगा. एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर होगा एज कंपेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तभी जाएगा. टिश्यूज में ऑक्सीजन का लो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. अब मैं पार्शियल प्रेशर लिखूंगी तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं बेटा इनहेल्ड एयर में. टॉकिंग अबाउट द इनहेल्ड एयर, देखते जाना. ये जो ऑक्सीजन है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड इज एक्चुअली 159. देखो मैं यूनिट्स नहीं लिख रही, यूनिट्स सबके क्या रहेंगे? mm ऑफ Hg, ठीक है? यही हमारे पार्शियल प्रेशर की यूनिट है, mm ऑफ Hg. जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हो इसी यूनिट में मापते हो ना, तो समझ जाना 159 mm ऑफ Hg इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द
एटमॉस्फेयर, बाहर की एयर में, इनहेल्ड एयर जो आप अंदर ले रहे हो, ठीक है, इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कितना है, 159 है. अंदर की अगर बात करें, दैट मींस आपके यू नो एल्वियोलाई के अंदर की बात करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 mm ऑफ Hg. अब सिंस बाहर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, अंदर पार्शियल प्रेशर कंपैरेटिवली कम है, तो क्या ऑक्सीजन अंदर आ सकती है? यस और नो बेटा, क्या ऑक्सीजन अंदर आ सकती है? 159 टू 104 तो आ सकती है. हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर है, यस, हाई पार्शियल प्रेशर तो बहुत टू लो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है. चलिए, तो एक एक्सचेंज हो गया. अगला बात करते हैं बेटा, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर आपका कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड, ठीक है, वही ब्लड को भेजते हैं ना लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 mm ऑफ Hg, यानी कि यहाँ पर है 40, ऊपर है 104, तो क्या ऑक्सीजन अंदर एंट्री ले लेगा? बताइए, क्या ऑक्सीजन अंदर एंट्री ले लेगा? यस, हाँ जी, तो 104 टू 40 ऑक्सीजन ने एंट्री ले ली. जब 104 टू 40 ऑक्सीजन ने एंट्री ले ली, तो बेटा इसने ब्लड को यहाँ पर क्या बना दिया? ऑक्सीजनेटेड बना दिया. तो इस साइड पे जो ब्लड होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड हेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज टू 95. कितना हो जाएगा बेटा? 95. अब तुम सोचोगे मैम ऊपर से तो 104 आ रहा था, इधर पीछे 40 था, 104 प्लस 40 मैम 95 थोड़ा होता है. बेटा हर जगह प्लस थोड़ा करना होता है, इट इज़ नॉट ए एडिटिव फीचर, आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते. इट इज़ जस्ट कि यार ऊपर से 104 आया, उसने 40 को बढ़ा के 95 कर दिया. ये मत सोचो कि मैं एक्चुअली में प्लस करने बैठूंगा. जहां मैथ्स लगाना होता है वहां तुम मैथ्स लगाते नहीं हो, जहां मैथ्स नहीं लगाना है वहां पर मैथ्स लगाने आ जाओगे, ठीक है. तो ये मत सोचना. ओके, चलिए, तो अब ऑक्सीजन कहाँ पहुंच चुका है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहुंच चुका है, जहां पर पार्शियल प्रेशर कितना है उसका, 95 हो चुका है, ठीक. टिश्यूज में देख लेते हैं यार, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है. इफ आई लुक एट द टिश्यूज, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली 40 mm ऑफ Hg. तो यार यहां से आ रहा था 95, यहां से आ रहा था यहां पर है 40, तो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा? क्या टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगा? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन तो फ्लो करता है, तो अल्टीमेटली बाहर से चला हुआ ऑक्सीजन 159 टू 104, 104 टू 40 का बनाया 95 से फ्लो कर जाएगा बैक टू 40. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन डन. यस गाइस, बताइए, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर डन. ये बड़ा टफ लगता है बेटा, पढ़ने बैठोगे खुद से तो बहुत कुछ याद आ जाएगा. मैं ऑक्सीजन और CO2 अलग अलग करके बता रही हूँ, और एक छोटा सा डायग्राम और टेबल बना हुआ है NCERT में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया. अगर अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं आएगा. यस, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड क्यों समझ नहीं आया बेटा? हार्ट को याद करो, आपका जो दिल है, दिल से यहाँ ब्लड वेसल चलती है, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स के पास जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके. ये पल्मोनरी आर्टरी ही है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को कह रही है भैया प्लीज ऑक्सीजन दे दो, मैं डीऑक्सीजनेटेड हूँ, मुझे पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड लेके जाना है. तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने भेजा, ऊपर से ऑक्सीजन आई, इसने ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया. ये है बेटा, ये सर्क्युलेशन है. यस, वही तो हो रहा है हार्ट में. हार्ट क्या करता है? व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट? जस्ट फॉर पंपिंग द ब्लड. इट इज सेंडिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स कि भैया लंग्स प्लीज ऑक्सीजन दे दो. उसने ऑक्सीजन दिया, ब्लड को क्या बना दिया? ऑक्सीजनेटेड. और हार्ट ने फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. यस, चलिए, तो ये बात हो गई आपकी एक्सचेंज ऑफ O2 की. अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ CO2. CO2 कहाँ बनेगा? वेयर विल CO2 बी फॉर्म्ड? बताइए, इन सारी जगह में से वेयर विल यू फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ CO2? CO2 बनेगा जहाँ पर सेल्युलर रेस्पिरेशन होगी, जहाँ पर सेल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे. द प्लेस वेयर सेल्युलर रेस्पिरेशन विल हैपन, दैट इज गोइंग टू बी टिश्यूज. ठीक है, टिश्यूज में CO2 बनता है.
तो टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। अब अपने क्या करेंगे, टिश्यू से CO2 जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड में, यानी कि टिश्यू से CO2 जाएगा यहाँ पर ब्लड में, ब्लड को बना देगा डीऑक्सीजनेटेड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा CO2 दे देगा एल्वेलाई को, और एल्वेलाई दे देगा बाहर। ये ट्रांसपोर्ट अपने ने करना है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हमने करना है, ठीक है। ऊपर से जो ब्लड आ रहा था इधर, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था अपना 40, टिश्यू ने रेस्पिरेशन किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 45। याद रखना बेटा कि ये जो टिश्यूज़ हैं उसमें ऑक्सीजन यूज़ होके ज़्यादा क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है, ठीक है। अब इस CO2 को ट्रांसपोर्ट कराना है, अभी यहाँ से जो ब्लड आ रहा था दैट वाज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 40 था, इधर CO2 कितना है 45 है, तो क्या हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जा सकता है CO2? ऊपर 40 वाला ब्लड आ रहा है, ये खुद 45 पे है, हाई टू लो जा सकता है, हाई टू लो जा सकता है, यस कम ऑन गाइस, जा सकता है कि नहीं, हाई टू लो कर रहे हैं ना बेटा, हाई टू लो कर रहे हैं, जा सकता है। ऊपर से ब्लड बेटा आ रहा था ऐसा CO2 वाला जिसमें 40 था CO2, यहाँ पर CO2 कितना 45, तो CO2 बेटा ट्रैवल करेगा टिश्यूज टू ब्लड, जब CO2 ट्रैवल करेगा टिश्यूज टू ब्लड तो ये ब्लड में CO2 बढ़ा देगा, तो डीऑक्सीजनेटेड में CO2 बन गया कितना 45 बन गया, यानी कि अब आपके ब्लड में CO2 ऐड हो चुका है, 40 से CO2 कितना बढ़ गया है 45 बढ़ गया है, दैट मींस यहाँ पर CO2 कितना है 45 है एल्वियोलाई के पास वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। एल्वियोलाई में अगर मैं देखूँ, इफ़ आई लुक एट द एल्वियोलाई देन हेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40, तो यहाँ कितना है बेटा 45, यहाँ कितना है 40, CO2 फिर से मूव किया, CO2 बेटा फिर से मूव किया हाई टू लो, एल्वियोलाई तक आपका CO2 पहुंच गया। बाहर अगर देखें, बाहर बेटा अगर देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज एक्चुअली 0.3, तो बेटा बहुत आसानी से ये 42.3 भी जा सकता है। सो आई एम हाईलाइटिंग देम विन द डिफरेंट कलर सो दैट आप समझ पाए, ठीक है। CO2 का ट्रांसपोर्ट देखना है तो आप बस ये देखना, पहले गया बेटा 45 टू 40, फिर गया बेटा इसने ब्लड को बना दिया 45, देन गया 45 टू 40 एंड देन गया 45 टू 0.3। ऑक्सीजन का देखना हो तो 159 से गया 104, 104 से गया बेटा 40, 40 को बना दिया 95, 95 से जाएगा अगेन 40, सिंपल। दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट। अगर मैं इसकी लाइंस बना दूं तो बेटा सिंपल सी लाइंस हैं, ऑक्सीजन इज मूविंग लाइक दिस, then this and then from here oxygen is moving like this, ठीक है। अगर मैं CO2 के बारे में करूँ बेटा, CO2 यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ पहुँची एंड यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से सीधा बाहर, सिंपल। ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं रहे शिवम, दिस इज अबाउट एक्सचेंज, दिस इज नॉट ट्रांसपोर्ट, प्लीज अंतर समझिए, अंतर समझिए। मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ से ऑक्सीजन कैसे नीचे जा रही है, ये नहीं बताया, वो ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज, ठीक है। वो अगला टॉपिक है यार, पेशेंस रखो, पेशेंस नहीं रख सकते तो कल आ जाना कल की क्लास में, ठीक है, आज नहीं होगा वो। ओके तो अब बेटा एनसीईआरटी एक डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती है उसको, मैं वो डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ द डायग्राम इज इन द एनसीईआरटी, आप यहाँ पे देख लीजिए। इंस्पायर्ड एयर में बेटा ऑक्सीजन आया, ठीक है, 159 था बाहर, अंदर 104 था, तो ऑक्सीजन एंट्री लिया, इस ऑक्सीजन ने बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंट्री ली, ब्लड को क्या बना दिया ऑक्सीजनेटेड, समझ रहे हो ना, आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है, वेन में ऑक्सीजनेटेड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके नजदीक पहुंचा, टिश्यूज के नजदीक पहुंचा, ऑक्सीजन मूव किया हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, तो यहां पर टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल गया। दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देन मूविंग ऑन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, टिश्यूज ने CO2 बनाया, CO2 बेटा ब्लड में एंट्री लिया तो ब्लड को बना दिया डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा पहुंच जाएगा एल्वियोलाई के नजदीक पल्मोनरी आर्टरी में एंड देन टू द एल्वियोलाई एंड देन टू द एक्सपायर्ड एयर, यस हां जी क्लियर।
क्या ये क्लियर हुआ? अब इसको और क्लियर करते हैं. एक और तरीका बेटा इसको क्लियर करने का, बाय स्टडिंग दिस. कैन यू सी दिस टेबल? दिस इज द टेबल मेंशन इन योर एनसीईआरटी. दिख रहा है सबको टेबल? दिख रहा है? हाँ जी, ये टेबल बेटा एनसीईआरटी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं. देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना है? 159. साथ साथ पढ़ते हैं, लेट अस रीड इट साथ साथ. ये एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन मूव किया 159 to 104, हाई टू लो पार्शियल प्रेशर. देन एल्वियोलाई ने बेटा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन दिया जो कि था 40 पे, तो 104 टू 40 मूव कर सकता है. इसने ब्लड को क्या बना दिया? ऑक्सीजनेटेड, 95 पे ले आया. एंड देन बेटा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, फिर से ब्लड मूव किया टिश्यूज तक. दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो. यस बेटा बताइए, जो हमने ड्रॉ किया था वही यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में दे दिया है. एयर टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई टू डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बनाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज में लेके आए. ठीक है, हाँ जी. अब बात करते हैं CO2 की. CO2 बना कहाँ पर? टिश्यूज में बना. टिश्यूज ने CO2 दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, क्योंकि वही ब्लड था, उसमें CO2 कम था. हाई टू लो बेटा CO2 फ्लो किया, उसने ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना दिया, 45 पे ले आया 40 से. देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बेटा फिर एल्वियोलाई में गया, हाई टू लो 45 to 40. एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में चला गया, हाई टू लो अगेन 42.3. सिंपल, ऑक्सीजन इज मूविंग लाइक दिस, CO2 इज मूविंग लाइक दिस, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो. हाँ जी बताइए, यस, क्या आपको पता चल गया दैट दिस इज हाउ द एक्सचेंज इज हैपनिंग बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यूज? यस 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 बताइए, कम ऑन. आई एम डन विद द एक्सचेंज पार्ट. हा कम ऑन गाइस, टेल मी. जिस जिसको समझ आ गया फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार, टाइम मत लगाया करो ये काम करने में. कम ऑन गाइज, लाइक द सेशन ताकि मुझे पता चले. एंड यस, आवर फेवरेट इमोजी. ठीक है, अभी भी 4 बारी बताने के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग के दरवाजे नहीं खुले हैं तो एक काम करना, इसकी एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग सुनना. कब? सेशन के बाद, अभी नहीं. ठीक है, और इसके बाद भी दिमाग के दरवाजे नहीं खुले तो स्पेशल क्लास में आके डाउट जरूर पूछना. वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आपको बता पाऊं. ओके, चलिए. सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, है ना. एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपने ने कर लिया है, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आगे बेटा हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस मैं आपको आज करा देती हूँ ऑक्सीजन का, CO2 वाला हम कल करेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. हाँ जी, दो गैसेस हैं जिनको मूव कराना है, एक तो अपनी ऑक्सीजन है, दूसरी अपनी क्या है? CO2 है. तो पहले ऑक्सीजन को मूव करा लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन की बेटा अगर बात करी जाए तो ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है. इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन टू फॉर्म्स, मतलब दो तरीके से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है. सबसे इसका मोस्ट फेवरेट वे है कि यार मैं हीमोग्लोबिन की बस पे बैठ जाऊँ. हीमोग्लोबिन एक बस है, उस बस में सीटें हैं, जैसे हर बस में सीट्स होती हैं वैसे हीमोग्लोबिन के पास भी सीट्स हैं. तो ऑक्सीजन का फंडा है कि यार लेट अस सिट ऑन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बस में बैठ जाते हैं और अपना हीमोग्लोबिन जहाँ जहाँ जाएगा हम भी चलेंगे. हीमोग्लोबिन तो हर जगह जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. ब्लड हर जगह जाता है तो हीमोग्लोबिन भी जाएगा. तो मोस्ट फेवरेट वे ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इज विद हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो एक जाता है बेटा हीमोग्लोबिन के साथ. ठीक है, कितना परसेंट? 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विथ हीमोग्लोबिन. बचा हुआ कितना? बच गया 3%. 3% इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म विथ प्लाज्मा. ठीक है, जो बचा हुआ 3% है वो कैसे जाता है? इन द डिजॉल्व फॉर्म विद प्लाज्मा. आपको पता ही है ब्लड के दो हिस्से होते हैं, वन इज द फ्लूइड पार्ट, 55% ऑफ द ब्लड इज अ फ्लूइड प्लाज्मा, बचा हुआ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ही आपका आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन. तो बचा कितना आपका? बच गया यहाँ पर 3%. 3% एक्चुअली मूव्स विद द हेल्प ऑफ
प्लाज्मा। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि यार हीमोग्लोबिन कैसे लेकर जाता है, हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन के ऊपर कितने O2 मॉलिक्यूल बैठ के जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लेट अस डिस्कस बेटा जी द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ टेट्रामर। ये एक टेट्रामर है बेटा। कैसा स्ट्रक्चर था? इट हैज़ गॉट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये एक प्रोटीन है जिसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, मतलब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है। चार पॉलीपेप्टाइड चेन थी बेटा। कौन कौन सी थी? दो अल्फा दो बीटा, ठीक है ना। तो अपने चार पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, है ना। चार पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन इज हैविंग। दिस इज वन चेन, दिस इज सेकेंड चेन, देन थर्ड चेन एंड देन बेटा फोर्थ चेन, है ना। ठीक है, चार चेन्स है। दो चेन्स कौन सी हैं बेटा? दो चेन्स हैं अपनी अल्फा चेन्स, है ना। टू चेन्स बेटा दे आर अल्फा एंड टू चेन्स बेटा दे आर बीटा। सो हीमोग्लोबिन एक कैसा स्ट्रक्चर हो गया? अल्फा टू बीटा टू स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इट इज़ एक्चुअली अल्फा टू बीटा टू स्ट्रक्चर क्योंकि इसके पास चार चेन्स प्रेजेंट हैं। अब हर चेन के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा। ये कैसी चेन है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। हर चेन के ऊपर बेटा प्रेजेंट है एक हेम ग्रुप। यस, इट हैज़ गॉट आयरन कंटेनिंग हेम ग्रुप लाइक दिस। वन हेम ग्रुप, सेकेंड हेम ग्रुप, थर्ड हेम ग्रुप, फोर्थ हेम ग्रुप। तो ये क्या है बेटा? हर चेन के ऊपर प्रेजेंट है हेम ग्रुप। हेम ग्रुप यानी कि आयरन ग्रुप, Fe2 पॉजिटिव, ठीक। यही हेम ग्रुप ऑक्सीजन के साथ, मतलब यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। तो एक्चुअली में इट इज व्हाट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन विच जॉइंस विद द ऑक्सीजन। देखो हीमोग्लोबिन यानी कि एक हेम पार्ट होगा, एक ग्लोबिन पार्ट होगा। ऑक्सीजन एक्चुअली में हेम से जुड़ता है या ग्लोबिन से जुड़ता है बेटा? ग्लोबिन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ऑक्सीजन इससे नहीं जुड़ता। ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? इस हेम पार्ट से जुड़ेगा। यस बेटा, सो ऑक्सीजन इज गोइंग टू बाइंड विद द आयरन कंटेनिंग हेम पार्ट, नॉट द ग्लोबिन पार्ट। अच्छा, अब कितने हेम ग्रुप है तुम्हारे पास? कितने? एक दो तीन चार। लेकिन मतलब चार ऑक्सीजन फिट आ सकते हैं, लेकिन क्या सारे ऑक्सीजन इकट्ठे बैठ जाते हैं इस पे? इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ये जो बस है ना, हीमोग्लोबिन एक बस है, मैं बताऊँ, ये बस का कंडक्टर बड़ा ही नखरे वाला है। वो कह रहा है चारों को लेके तो जाऊँगा, लेकिन एक एक करके बैठो। पहले एक सवारी आएगी, एक सवारी आके पैसे देगी, फिर मैं दूसरी सवारी को बिठाऊँगा। दूसरी सवारी आके पैसे देगी, फिर मैं तीसरी को बिठाऊँगा। तीसरी आके पैसे देगी, फिर मैं चौथी को बिठाऊँगा। यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग में द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज वेरी लेस, तभी ये चारों को इकट्ठा नहीं बिठाता है। यानी कि इसके पास पैसे की बड़ी कमी है, कंडक्टर के पास पैसे की बड़ी कमी है। वो एक एक करके पैसे लेता है फिर बिठाता है। यानी कि जब एक ऑक्सीजन इससे जुड़ गया तो एफिनिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा, दूसरा जुड़ गया तो थोड़ी और एफिनिटी बढ़ जाएगी, तीसरा उड़ जाएगा, तीसरा जुड़ गया बेटा थोड़ी और एफिनिटी बढ़ेगी, तब जाके चौथा जुड़ेगा। तो इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस इन विच बेटा ऑल ऑक्सीजन दे डू नॉट बाइंड टुगेदर, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो एक एक करके ऑक्सीजन डालें। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन, हमारा जो मॉलिक्यूल था वो था Hb4, ठीक है। Hb4 इसीलिए बोला क्योंकि चार हेम ग्रुप है। इसके साथ अपना पहला ऑक्सीजन जुड़ा, इसने क्या बना लिया बेटा? Hb4O2, यही बनेगा Hb4O2। यस और नो बेटा, मैंने कोई रिएक्शन में गलती तो नहीं कर दी है? केमिस्ट्री की रिएक्शन है तुम्हारी। एंड मेक श्योर, रिमेंबर दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप इस दिशा में जा सकते हो तो इस दिशा में भी आ सकते हो, रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है, राइट। अब एक जुड़ गया, पैसा दिया इसने, पैसा देने का मतलब है एफिनिटी बढ़ी, एफिनिटी बढ़ी तो अब दूसरे का नंबर आएगा। तो अब जो अपना Hb4O2 है उसके साथ दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा इन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन, इसने क्या बना लिया? Hb4O4, है ना, दूसरा ऑक्सीजन जुड़ गया।
थोड़ी से और पैसे मिले, थोड़ी सी और इफिनिटी बढ़ी, अब तीसरा जुड़ेगा HB4O4 प्लस थर्ड ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म HB4O6, HB4O6 बन गया। चलिए अब थर्ड जुड़ गया और पैसे मिले और इफिनिटी बढ़ी, तो अब चौथा जुड़ेगा, ठीक है चौथा जोड़ दो। सो इट इज HB4O6 प्लस O2 जॉइनिंग रिवर्सिबली टू फॉर्म HB4O8, है ना। तो अल्टीमेटली अपने पास HB4O8 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो यार, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो यार ये काट दो ना, 4 2s 8 होता है, 4 2s 8 होता है। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया क्या बन गया, HBO2। तो लिखने में क्या आएगा, लिखने में बेटा क्या क्या आएगा, लिखने में आएगा इट इज HBO2 बट इट डज नॉट हैव सिंगल ऑक्सीजन, इट इज हैविंग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ आई कि लिख तुम HBO2 रहे हो लेकिन वो HBO2 बना है बाई सिंप्लीफिकेशन ऑफ HB4O8। तो HBO2 is the name of oxyhemoglobin. To this hemoglobin there are 4 oxygen molecules which are bound. Yes, so this is called as, this is beta ji called as oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin. And yahan se ye prove ho gaya that one hemoglobin carries 4 oxygen molecules. ठीक है, 4 oxygen molecules बेटा ये carry कर जाते हैं। वन हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक। यस बेटा, हाँ जी, क्यों लिखेंगे बेटा, 4 HBO2 नहीं बन रहे हैं। गरिमा यू आर मिस्टेकन हेयर, व्हेन आई एम राइटिंग HBO2 दैट मीन्स उसके पास ऑलरेडी 4 हैं। HBO2 मतलब इसके पास 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि HBO2 बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है। यहाँ तो समझ सकते हो कि 4 ऑक्सीजन है, HB4O8 है तो 4 ऑक्सीजन है ना। तो HBO2 मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाँ जी, क्लियर क्लियर बेटा, क्लियर 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 बता दो। अच्छा अब बेटा इस आयरन ग्रुप के साथ, इसके पास क्या था, आयरन ग्रुप था, आयरन ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा। जब आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो यार वो तो ऑक्सीडेशन हो जाती है, FeO2 पता नहीं क्या क्या बन जाएगा केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट यहाँ पर बेटा आयरन इज़ नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, आयरन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आयरन ऑक्सीजन को पकड़ के बैठ रहा है। बेटा वही बात है कि आयरन एक सीट है बस की, ऑक्सीजन उसके ऊपर बैठा है, बस बैठा है उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि बेटा ऑक्सीजन उस सीट के अंदर घुस गया है, सीट ही बदल दिया है उसने, ऐसा नहीं किया, ठीक है। आयरन के ऊपर ऑक्सीजन बैठा है लेकिन आयरन को चेंज नहीं किया है, इट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन, इट इज़ एक्चुअली ऑक्सीजनेशन रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली ऑक्सीजनेशन रिएक्शन नॉट ऑक्सीडेशन, ओके बेटा। ये कैसी रिएक्शन है, सारी ऑक्सीजनेशन है नॉट ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होती तो यार आयरन तो चेंज ही हो जाता है ना, आयरन तो अपना बचता ही नहीं, राइट। इट इज ऑक्सीजनेशन, आयरन को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आयरन के ऊपर ऑक्सीजन को बिठा रहे हैं, ओके। यस गाइस, राइट बेटा। अच्छा Now the question from you guys, how much percentage of HB hemoglobin is saturated in this reaction? Kitne percent hemoglobin saturated hai? First reaction beta I am pointing out, come on, question for you, simple question. Yahan par oxygen kitne percent saturated hai? 25%, 50%, 75% or 100%? Options are 25, 50, 75, 100. What percentage of hemoglobin is saturated in this reaction? हाँ जी, कितना percent hemoglobin occupy हो चुका है, कितना percent saturated है बेटा, what percentage is saturated over here? हाँ जी,
बताइए 75% वाले बच्चे अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं, 50 वाले बच्चे भी अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनका जवाब सरासर गलत है। अभी HB4 यानी कि चार स्थान है मेरे पास, चार आयरन मॉलिक्यूल हैं, अभी पहला ऑक्सीजन जुड़ा है बेटा, इट इज़ जस्ट 25% सैचुरेटेड। सो दिस रिएक्शन में इट इज़ 25% सैचुरेटेड, एक जुड़ा है, टोटल चार जुड़ सकते हैं यार, एक अभी जुड़ा है तो 1/4 हुआ ना 25%। अब दो जुड़ गए, दैट मीन्स नाउ इट इज़ 50% सैचुरेटेड, हेमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। तीन जुड़ गए, हेमोग्लोबिन इज 75% सैचुरेटेड, यस 75% सैचुरेटेड। चार जुड़ गए, चार से ज़्यादा तो सीटें हैं ही नहीं, यहाँ पर हेमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड, यस हेमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड। यस बेटा, तो मतलब HbO2 की फॉर्म में, इस फॉर्म में आपका हेमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड होता है। अब कोशिश कर लो, वो कंडक्टर पांचवा सवारी नहीं बिठाएगा। तो ये बेटा रोडवेज वाली बस नहीं है कि जिसमें बेटा जो बीच की सीटें हैं, बीच की खाली जगह है, उस पर भी लोग ऐसे ऐसे पूरा फिल होके चल रहा है। अगर कुछ गेट पे लटके हुए हैं लोग, कुछ बस के ऊपर बैठे हैं लोग, ऐसी बस नहीं है। यह बड़ी स्टैंडर्ड वाली बस है, प्राइवेट बस चल रही है, जिसमें एक भी सवारी एक्स्ट्रा नहीं बैठेगी। चार सीट्स हैं तो चार ही बैठेगी, पांचवी को ऊपर नहीं बिठाएंगे, ठीक है? ओके, तो ये कैसी बस है? प्राइवेट बस है अपनी। स्टैंडिंग पीपल आर नॉट अलाउड हियर, एवरीवन विल गेट अ चांस टू सिट। दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज बेटर इंडिया, इन विच बेटा नो वन विल सिट ऑन द बालकनी सीट। बालकनी यानी कि बस के ऊपर कोई नहीं बैठेगा। ओके, हाँ जी, हीमोग्लोबिन ट्रैवल एजेंसी, या ये भी वैसे बढ़िया नाम है, HTA, हीमोग्लोबिन ट्रैवल एजेंसी है। इसका नारा ही यही है that we are new India, we never allow anyone extra, any person extra on our buses। कि अगर मान लो कोई ये भी बोले ना कि मेरे पास एक छोटा सा बेबी है, मैं उसको लेके बैठ जाऊँ, ना, हेमोग्लोबिन विल से नो, हम एक छोटे बेबी को भी साथ नहीं लेके जाएंगे, वो अगली बस में आएगा, अकेला आएगा, वो पूरी सीट लगेगी, बच्चे की पूरी सीट लगेगी बेटा, हाफ पैसे देकर फ्री में गोदी में बिठा कर बच्चा नहीं जाएगा। ओके, चलिए, तो हेमोग्लोबिन की बात हो गई, हीमोग्लोबिन की बात हो गई। अब हीमोग्लोबिन यार, जब तुम एडल्ट हो तब तो तुम्हारे पास है ही, यही वाला एडल्ट हीमोग्लोबिन है। कौन सा है? एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है। लेकिन यार जब तुम फीटस थे तब भी तो तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन था, है ना? जब तुम फीटस थे तब भी तो तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन था, तो दैट हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। फीटल हेमोग्लोबिन के पास चेन्स अलग हैं, इट हैज़ गॉट टू अल्फा एंड टू गामा चेन्स, देयर इज डिफरेंट इन द चेन्स बेटा। एडल्ट के पास हैं अल्फा टू बीटा टू, फीटल के पास हैं अल्फा टू गामा टू। दोनों बेटा किससे जुड़ते हैं? ऑक्सीजन से। देखो दोनों ही बसेज ऐसी हैं जिन्होंने ऑक्सीजन से जुड़ना है, लेकिन जो अपनी फीटल वाली बस है ना, वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, वो जल्दी से सवारियां फिल करती है, ठीक है। दैट मीन्स द एफिनिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन। सो आई एम मेंशनिंग वन पॉइंट हियर दैट द एफिनिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज मोर देन द एफिनिटी ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, समझ रहे हो? कि अगर मान लो ऑक्सीजन दोनों को दे दे, सामने ऑक्सीजन खड़ा है, दो बसेस खड़ी हैं, एक फीटल हीमोग्लोबिन है, एक एडल्ट है, बेटा जो फीटल वाली है ना, वो ऑक्सीजन को छीन लेगी, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा सवारियाँ जल्दी से फिल कर सकती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। एक्चुअली ये चीज़ हमें फीटस में चाहिए भी, क्योंकि फीटस ने जो ऑक्सीजन है वो मदर से लेना है, तो इट्स हीमोग्लोबिन शुड बी स्ट्रॉगर देन द मदर हीमोग्लोबिन, अदरवाइज वो हीमोग्लोबिन मदर को छोड़ के फीटस के पास आएगा ही क्यों, समझ रहे हो? फीटस ने हीमोग्लोबिन मदर से लेना है, मदर के पास एडल्ट हीमोग्लोबिन है, इधर अपने पास फीटल है। बेटा ऑक्सीजन यहाँ से मूव ही तभी करेगा जब इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एडल्ट। यस, हाँ जी, फीटल मतलब प्रशांता बेटा, फीटल मतलब जब बच्चा पैदा नहीं होता, उसके अंदर फीटस होता है,
ऐसे सवाल मत पूछो, मेरे दिल में दर्द हो जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर हार्ट के बारे में करना है। अगर किसी ने मेरे से ऐसा सवाल पूछ लिया, व्हाट इज फीटस बेटा, यहाँ दर्द, दिल में दर्द होता है कि यार बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है और फीटस पूछ रहा है, क्या क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा। ओके, चलिए हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। नाउ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। शुड वी स्टार्ट दैट टॉपिक? थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बेटा, क्या इसको आज स्टार्ट कर लें, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ODC, यस, कर ले, आज कर ले बेटा। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर को अच्छे से समझना, तो बेटा ये टॉपिक आपको आना चाहिए। ये मैं सबको बता दूँ, दिस इज द मोस्ट मोस्ट टिपिकल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। हाँ जी, कर लें, क्यों ना करें बेटा नितिन, हैं, क्यों ना करें, बता दो क्या दिक्कत चल रही है तुमको। चलिए, लेट अस स्टार्ट बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अगर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़े, अगर आप इन दोनों का मिलन कराना चाहते हो, एक आपके पास ऑक्सीजन है, एक आपके पास हीमोग्लोबिन है, यू वॉन्ट दीज टू टू ज्वाइन एंड फॉर्म HbO2। ये मिलन, ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का मिलन तभी होगा अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, देयर एसोसिएशन, मिलन का मतलब है बेटा एसोसिएशन, विल ओनली हैपन अगर बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। अगर कम हुआ तो नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स अगर आप दोनों को एसोसिएट कराना चाहते हो, एसोसिएशन कराना चाहते हो दोनों के, इनकी डील कराना चाहते हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी ऑब्वियसली मोर। उस जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, मुझे बस ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो बेटा दोनों का मिलन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ CO2 नेचुरली कम होता है, क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन है। तो अगर कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा, तो वहाँ पर CO2 का अमाउंट यानी कि पार्शियल प्रेशर, इफ एवर आई एम सेइंग अमाउंट, आई एम रेफरिंग टू द पार्शियल प्रेशर। तो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किसी जगह पे ज़्यादा है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर उस जगह पे नेचुरली कम होगा। और एक चीज़ गांठ बांध लेना बेटा, अगर CO2 कम होता है तो उस जगह पे टेम्परेचर भी कम होता है, अगर CO2 कम होता है तो H+ भी कम होता है, अगर CO2 कम होता है तो 2,3-BPG भी क्या होता है, कम होता है। ये रूल है, दिस इज द रूल, दिस इज द फैक्ट, दिस यू हैव टू एक्सेप्ट कि जैसा CO2 वैसे ही बेटा ये चार चीजें, ये तीन चीजें CO2 के पीछे पीछे। वो आपने एक मूवी देखी, मूवी आई थी बेटा कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम में द एक्टर एक्ट्रेस विच कम लेटर ऑन पू, है ना, वो जो बोलती थी उसकी जो फ्रेंड्स थी वो भी वही बोलती थी, है ना, If she is saying who are you, they will also say who are you. तो बिल्कुल वैसा ही है, अगर CO2 कम तो temperature will say मैं भी कम, H+ will say मैं भी कम, 2,3-BPG will say मैं भी कम। 2,3-BPG क्या होता है बेटा? 2,3-BPG is glycolysis में बनता है, bisphosphoglycerate। ये DPG भी लिखा हुआ हो सकता है, diphosphoglycerate के नाम से भी हो सकता है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट के नाम से भी हो सकता है, एक ही बात है। तो जैसा CO2 होगा वैसे ही बाकी चीज़ें भी होंगी, और जैसा ऑक्सीजन CO2 से उल्टा, है ना, जैसा ऑक्सीजन बेटा CO2 इससे उल्टा। ओके, सो ये सारी कंडीशंस है बेटा फॉर द एसोसिएशन, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलन करना चाहता है, जुड़ना चाहता है। रिवर्स कंडीशन वुड बी सीन व्हेन यू विल सी डिसोसिएशन। तो मैं यहाँ पर डिसोसिएशन की भी कंडीशंस लिख देती हूँ। डिसोसिएशन यानी HbO2 टूटेगा तब, देखो ये रिवर्सिबल है, डिसोसिएशन मतलब अब आप उल्टा चल रहे हो, आपको तोड़ना है। HbO2 टूटेगा तब व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी लेस। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो CO2 नेचुरली क्या होगा, ज्यादा होगा उस जगह पे। अगर CO2 ज्यादा होगा तो बेटा वही पू वाली चीज याद कर लो, CO2 ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो H+ भी ज्यादा, CO2 ज्यादा तो 2
3BPG भी ज़्यादा। यस गाइस, यस, हाँ जी, तो इसको डाल देते हैं अपने एक डब्बे में। लेट मी पुट इट इनसाइड अ बॉक्स। सो दिस इज फॉर डिसोसिएशन एंड दिस इज फॉर एसोसिएशन। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक देम वेरी कलरफुल एंड गुड फॉर यू। मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा कि आपके ऐसे नोट्स एक बारी में बना दें कि मतलब मस्त हों, आप उनको रेफर कर सको कभी भी, ठीक है, डब्बे शब्बे बना के पूरा हाईलाइट करके, ताकि मैम के जो नोट्स हैं वो मैम के नाम से चलें। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके अपने नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी क्लास में शेयर करती हूँ। यू नो, मैं वही बताती हूँ कि पहले आई यूज़ टू वर्क विद ऑफलाइन एंड दे यूज़ टू चार्ज लैक्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड वो लैक्स ऑफ रुपीज़ देने के बाद बच्चों को ये नोट्स उस क्लास के ब्लैक बोर्ड पे मिलते थे। आज आप कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, जस्ट योर डेटा पैक 300 का आता है, 400 बस, इससे ज़्यादा तो नहीं आता, या आपके घर पे वाईफाई है, यू आर जस्ट पेइंग फॉर दैट एंड यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसकी अहमियत समझा करो, इन नोट्स को डाउनलोड करके रखा करो। मैं तो चाहती हूँ तुम साथ में बना कर रखो, और ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे एवरी डे मिलते हैं राइट आफ्टर द क्लास, तो प्लीज़ गिव वैल्यू टू द नोट्स, ठीक। हाँ जी, पीएच नहीं लिखा, कुछ सोच के नहीं लिखा, ये जो बच्चा कह रहा है, ये जो बच्चा आया है, मैम आपने पीएच नहीं लिखा, तो बेटा कुछ सोच के नहीं लिखा, क्योंकि बेटा पीएच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, आप खुद बताएंगे पीएच, मैं नहीं बताऊंगी बेटा। अगर एच पॉजिटिव ज़्यादा है, एच पॉजिटिव का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब एसिडिक है वो चीज़, एसिडिक है तो पीएच क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, समझ रहे हो, केमिस्ट्री है बेटा। एच पॉजिटिव ज़्यादा, दैट मीन्स द थिंग इज एसिडिक, एसिडिक मतलब पीएच कम। अगर एच पॉजिटिव कम है यानी कि वो चीज़ एल्कलाइन है, एल्कलाइन का मतलब है पीएच क्या है, ज़्यादा। तो पीएच इज लिंक टू एच पॉजिटिव, पीएच इज नॉट लिंक टू सीओ टू। सीओ टू से कौन कौन लिंक्ड है, सीओ टू से टेम्परेचर, एच पॉजिटिव और 2-3 BPG। पीएच नहीं सेम रख देनी है, क्योंकि एच पॉजिटिव और पीएच हमेशा उल्टे चलेंगे, ठीक है, एच पॉजिटिव और पीएच हमेशा उल्टे चलेंगे। ओके, चलिए, तो बात होगी बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से। पहले मैंने आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन करना सिखा दिया है, ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी रहेगी कि यार एसोसिएट तब हो रहा है और डिसोसिएट इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो अब अपने कर्व बनाना शुरू करते हैं, लेट मी ड्रॉ द कर्व फॉर यू। यस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसा ही बनता है। अपनी जो इधर वाली एक्सेस है उस पर हम ले लेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड है। सो इस साइड पे आई एम टेकिंग परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि वो 25% सैचुरेटेड है, जैसे यहाँ देखा था 50% सैचुरेटेड है, 75 है या 100% सैचुरेटेड है। तो ये चीज़ अपने ग्राफ पे डालने वाले हैं कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, कितना परसेंट बेटा हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, तो ये चीज़ हम ग्राफ पे डालने वाले हैं। इधर वाली साइड हम लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑन दिस एक्सेस आई एम गोइंग टू टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यस, सो टू एक्सेस, वन इज द एक्स एक्सेस, अदर वन इज द वाई एक्सेस, एंड वन एक्सेस पे हम ले रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, अदर पे ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम खुद बताओ यार, तुम खुद बताओ, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है कि आप ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो सैचुरेशन बढ़ेगी, या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है? इज दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी? यस 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 यस, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बढ़ने से हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ेगा या कम होगा, डायरेक्ट और इनवर्स? बहुत ही सिंपल, मतलब बेसिक सवाल पूछा मैंने आपसे, इट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि अगर आप ऑक्सीजन बढ़ाते जाओगे, पार्शियल प्रेशर बढ़ना क्या है, ऑक्सीजन बढ़ना, एक सवारी आई 25% सैचुरेशन, दूसरा ऑक्सीजन सवारी बन के आया 50% सैचुरेशन, तीसरा आया 75, चौथा आया बेटा क्या हो जाएगी 100% सैचुरेशन। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, परसेंटेज सैचुरेशन भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये अनलिमिटेड चल सकता है?
क्या बेटा इस ग्राफ को बाउंड्री से बाहर ले जाऊं मैं? क्या ये अनलिमिटेड बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन के पास सीटें ही चार हैं और ये प्राइवेट बस है, प्राइवेट बस पे चार से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आकर तो इट विल स्टॉप कि अब मैं 100% सैचुरेटेड हूँ, मेरे पास चार सवारी बैठ चुकी हैं, चार के अलावा मैं एक बच्चे तक को नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस ग्राफ कैन नॉट बी लाइक दिस कि ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। नहीं, ये ग्राफ पे मुझे हॉल्ट लगाना पड़ेगा जब वो 100% सैचुरेटेड हो जाएगा। यानी कि इस ग्राफ की शेप ऐसी नहीं बन सकती, चाह के भी नहीं बन सकती। ऐसी शेप का मतलब है कि तुम बढ़ाते जाओ ये बढ़ता जाएगा। नहीं, लिमिट है यार, बस में सीटें हैं, बस में ऐसा दरी तो बिछी नहीं होगी कितने लोग बैठ जाएंगे, उसमें प्रॉपर सीट्स बनी हुई है ना, रिक्लाइनर सीट्स हैं जिसपे चार ऑक्सीजन ही फिट आ सकते हैं। सो द शेप ऑफ द कर्व इज गोइंग टू बी सिग्मोइड कर्व, एस शेप्ड कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? एस शेप्ड कर्व लाइक दिस, यस, दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू बी एंड इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन कर्व, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व। यानी कि बेटा अगर मैं इस ग्राफ को इस जगह पे एक्सटेंड करूं, लेट मी जस्ट एक्सटेंड, वेट अ सेकेंड, अगर मैं बेटा इस ग्राफ को यहां पर एक्सटेंड करूं, तो यानी कि यहां पर आपका हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड निकलेगा? हेयर हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड। बोल सकते हो कितना परसेंट सैचुरेटेड है बेटा? हेयर हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड। अगर इसका हाफ लोगे, इस जगह पर आ जाओगे, हेयर हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बी 50% सैचुरेटेड। अगर मैं कहीं यहाँ बीच में ढूंढने की कोशिश करूंगी, हेयर हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बी 75% सैचुरेटेड। अगर बेटा मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करूंगी, हेयर हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बी 25% सैचुरेटेड। यही तो दिखाना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में, बेटा यही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। पहले 21 ऑक्सीजन बैठा, फिर 2 ऑक्सीजन बैठ गए, फिर 3 ऑक्सीजन बैठ गए, फिर बेटा 4 ऑक्सीजन बैठ गए। 4 के बाद एक और नहीं बैठ सकता, इसीलिए ग्राफ की शेप एस शेप्ड है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, और ये ग्राफ बना है बॉडी टेम्परेचर पर। बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जब आपके ब्लड का पीएच था 7.4। नॉर्मल कंडीशन में जब ब्लड बिल्कुल नेचुरल पीएच पे है, नेचुरल बॉडी टेम्परेचर पे है, तब आपका ये सिग्मोइड शेप ग्राफ बन जाता है। ध्यान आपने किस पे देना है? ध्यान देना है बेटा 50% सैचुरेशन पे। ओके, लेट मी जस्ट पे अटेंशन। यस, 50% सैचुरेशन पे जो पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे देखो मैं बेटा इसको नीचे एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगी ग्राफ को, 50% सैचुरेशन पे जो पार्शियल प्रेशर है बेटा ऑक्सीजन का, दैट पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड एज P50। सो P50 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पे आपका हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो चुका है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जिस पे बेटा जी आपका हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो चुका है, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? P50। कम ऑन गाइस, टेल मी, क्या ये ग्राफ समझ आया? क्या ये ग्राफ समझ आया? क्योंकि अगर ये ग्राफ समझ नहीं आया, आपको शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। मतलब कोशिश भी कर लोगे मर धड़ के तो भी नहीं आ सकता है। हाँ जी, गॉट इट। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में तैयार पढ़ाने की कोशिश की है। 100% सैचुरेशन, 50% सैचुरेशन, एवरीथिंग आई ट्राइड। यस, ऑफ कोर्स यू कैन टेक। बेटा मायरा पूछ रही है कैन आई टेक मैथ्स, आपकी चॉइस है बेटा, आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए। कैन आई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी शुड आई, क्या मुझे लेना चाहिए, ये पूछो। लेने को तो कुछ भी कर सकते हो यार, तुम किला फतेह कर लो, कुछ कर लो, चांद पे पहुंच जाओ, है ना। ओके, चलिए, तो P50 आपको पता चल गया। P50 इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। यानी कि 50% सैचुरेटेड, यानी कि बेटा इस पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन की कितनी सीटें भरी हुई हैं बताइए?
इस पार्शल प्रेशर पर हेमोग्लोबिन की कितनी सीट्स फिल्ड हैं? हाउ मेनी सीट्स आर फिल्ड? सोचो, हाउ मेनी सीट्स आर फिल्ड एट दिस टाइम? 1, 2, 3, 4, चार ही सीट्स हैं उसके पास. हाउ मेनी सीट्स आर फिल्ड बेटा एट दिस पार्शल प्रेशर? हाउ मेनी सीट्स आर फिल्ड एट दिस पार्शल प्रेशर? 2 सीट्स आर फिल्ड, 2 आर एम्प्टी. दो सीटें खाली हैं, 2 सीटें आपकी भरी हुई हैं. ठीक, ओके. अब एक रिएक्शन का पार्शल प्रेशर P50 कम होने से क्या मतलब है, P50 ज़्यादा होने से क्या मतलब है, अब ध्यान देना. अगर किसी भी रिएक्शन का पार्शल प्रेशर P50 वैल्यू कम है, P50 यानी कि पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पे 50% सैचुरेशन होती है, अगर P50 वैल्यू कम है यानी कि कम पार्शल प्रेशर पे फटाफट से 2 सीटें भर जा रही हैं, कि अभी इतना ऑक्सीजन आया भी नहीं था, इतनी सवारियां आई भी नहीं थी, लेकिन उस बस पे फटाफट चढ़ गई. अगर किसी हीमोग्लोबिन का P50 वैल्यू ज़्यादा है तो यानी कि बहुत हाई पार्शल प्रेशर जब ऑक्सीजन का होगा तब दो ऑक्सीजन जाकर जुड़ेंगे. दोबारा सुनिए, लो P50 वैल्यू मीन्स लेस ऑक्सीजन पार्शल प्रेशर पे ही 50% सैचुरेशन हो गई. हाई P50 वैल्यू मीन्स बहुत सारा पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का करना पड़ा तब जाकर 50% सैचुरेशन हुई. समझ रहे हो? तो अब आप मुझे बताइए, लो P50 पे हाई एफिनिटी है या हाई P50 पे हाई एफिनिटी है? यानी कि आई एम आस्किंग, P50 वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी. एफिनिटी यानी कि उनके जुड़ने का प्यार आपस में कितना है. एफिनिटी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में प्यार कितना है. क्या कम ऑक्सीजन पे अगर वो जुड़ जाते हैं तब ज़्यादा प्यार है, या ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा P50, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे वो जुड़ेंगे तब ज़्यादा प्यार है? बताइए, इज इट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी? किस किस के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रही हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ. आई एम आस्किंग अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन P50 एंड एफिनिटी. हाँ जी, कम P50 पे फटाफट से जुड़ जाना एक अच्छी चीज है, या ज्यादा P50 पे जाकर जुड़ना एक अच्छी चीज है? यस. इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यस. कम P50 पे इफ दे आर ज्वाइनिंग, यस, कम P50 पे बेटा अगर ये लोग ज्वाइन कर जा रहे हैं, यानी कि उस रिएक्शन की एफिनिटी क्या है, ज़्यादा, कि अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना नहीं हुआ था कि वो लोग जुड़ गए. हाई P50 होना यानी कि बेटा अभी तक नहीं जुड़ा, यानी कि उसकी एफिनिटी क्या है, कम. तो P50 इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी. एम आई क्लियर ऑन दिस? P50 is actually inversely proportional to affinity. ठीक है, it is inversely proportional to affinity. क्या ये बात सबको समझ आई? बताइए, बता दीजिए बेटा, आज तो बता ही दीजिए, क्या ये बात सबको समझ आई? Yes, P50 is inversely proportional to affinity. यानी कि अगर P50 वैल्यू कम है तो मतलब रिएक्शन की एफिनिटी ज़्यादा है. P50 वैल्यू कम होने का मतलब है कि कम पार्शियल प्रेशर पे 50% सैचुरेशन. P50 वैल्यू ज़्यादा है तो एफिनिटी कम है, यानी कि बहुत सारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए तब जाकर एसोसिएशन होगा. ठीक है, तब जाकर एसोसिएशन होगा. P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी. क्या ये रिलेशनशिप समझ आया? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, बताओ बताओ. है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया है. अब आपको ये समझ आ गया तो आपको बोहर इफेक्ट समझ आएगा, आपको ये समझ आ गया तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी. अब हम करेंगे शिफ्ट टू राइट, कि ये ग्राफ बेटा राइट में भी शिफ्ट कर सकता है, ये ग्राफ बेटा लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकता है. लेकिन इसके लिए मैं आपको दूंगी थोड़ा सा समय इसको अंडरस्टैंड करने में. दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी थिंग. पहले तो ग्राफ समझना, ग्राफ के बाद P50, 25, 50, 75 समझना, फिर उसके बाद ये भी समझना कि बेटा इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी. तो आज मैंने थोड़ा सा आप पे ज़्यादा लोड डाल दिया है, कोई बात नहीं. आज के लिए इतना डाइजेस्ट करो,
मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं इस चीज़ को दोबारा आपसे पूछूं, क्वेश्चंस पूछूंगी। मैं चाहती हूं कि आप इस चीज़ को दोबारा सुन के आएँ, हल्की हल्की रिकॉर्डिंग सुन के आएँ और अपने नोट्स में ना इस चीज़ को लिखो, जो चीज़ मैं बोलती हूं कि वाई पी 50 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपके नोट्स में हिंदी में चाहे लिखा हो कि इसीलिए कि कम पी 50 वैल्यू पर ज़्यादा एफिनिटी, इस वजह से मतलब कम ऑक्सीजन चाहिए उसको 50% सैचुरेशन के लिए, तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये आप चीज़ें लर्न करें, ये चीज़ें बेटा, ये सारी रिएक्शंस आप लर्न करें। मुझे लगता है आज के नोट्स बड़े इंटरेस्टिंग बने हैं, जैसे जैसे मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किया। व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट डू यू थिंक, दिस हाईलाइटिंग मैटर्स? हाँ, क्या कहते हो बेटा, ये जो हाईलाइटर है अपना बड़ा काम का है, मैंने इससे काम लिया ही नहीं था, अब नोट्स और कलरफुल और मस्त दिख रहे हैं, क्या लगता है ना, क्या लगता है बेटा, अब नोट्स और मस्त और कलरफुल नहीं दिख रहे आपको, डब्बे वब्बे बनाने से, हाईलाइट करने से, है ना, मस्त दिख रहे हैं। तो लाइक डालो, फटाफट से लाइक कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है। आई एम ऑल्सो लर्निंग द ट्रिक टू मेक द बेस्ट क्वालिटी नोट्स फॉर यू, आई एम वर्किंग ऑन इट। आप पूछते हो ना बेटा बेस्ट नोट्स कैसे बनाए जाएँ, आई एम यूटिलाइजिंग दिस थिंग अलॉट एंड आई विल सून गिव यू बेस्ट 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 क्वालिटी नोट्स। बेटा मार्केट में बिकेंगे, तुम देखना ऐसे नोट्स बनेंगे अपने। हाँ जी, चलिए तो अब बेटा हम करेंगे शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट। लेकिन अगर आपको इतने में ही डाउट आएगा तो आप शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको बेटा कहीं भी इतने में डाउट आए तो मैं थोड़ा सा समय दे रही हूँ, क्योंकि 4:45 पे आई विल मीट यू, 4:45 पे बेटा आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट क्लास, जो कि होने वाली है ब्रीदिंग पर ही, इसी का डाउट सेशन है और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। बाकी का जो बचा हुआ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम करें कल करेंगे, ठीक है, ये स्पेशल क्लास है। और 7 बजे बेटा क्लास होगी एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, इसको मिस मत 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 करिएगा। सो दिस इज द क्लास ऑन बायो मॉलिक्यूल एनसीईआरटी रीडिंग, ये यूट्यूब पे होगी, दिस विल हैपन टुडे ऑन यूट्यूब, आज ही होगी, टुडे ओनली, ठीक है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस क्लास एंड 4:45 की स्पेशल क्लास में सारे डाउट्स। मैं टाइम हल्का सा दे रही हूँ, 15-20 मिनट्स का आपके पास गैप है, ताकि आप इसको रिवाइज करें और मेरे से डाउट्स पूछें। इज दिस क्लियर? और ये क्लास का लिंक मैंने पिन कर दिया ऊपर, ये ऊपर राइट साइड पे, यस, ऑन द चैट सेक्शन लिंक इज पिंड, इट इज़ अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन, जस्ट आपसे वो कोड पूछ सकते हैं, कोड आप डाल दीजिएगा सीप लाइव। बाकी बेटा आपके पास देर इज अ मौका टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम योर सीनियर्स हु आर एक्चुअली द टॉपर्स, हु आर ऑल इंडिया रैंकर्स, ऑल इंडिया रैंक 17th ऑफ 2020, 2019 वी आर ब्रिंगिंग इन अनअकैडमी एक्सेल, 30th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है, 10 से लेकर 12 बजे तक होगा। तो बेटा ये वाला सेशन जरूर जरूर अटेंड करना, इसके लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, कोड बेटा आपको याद ही होगा मैम का कि नहीं, यस दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइव, ठीक है, इस कोड से इस फ्री क्लास में एनरोल कर लो। 30th अक्टूबर को होने वाला है सुबह 10 बजे, तो आपके पास दो बड़े बड़े टॉपर्स आ रहे हैं, अब तो खैर उनको बड़ा बोलेंगे ही क्योंकि दे आर इन द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन नाउ, अभ्युदय प्रताप सिंह एंड रिदम अग्रवाल। यू कैन आस्क योर डाउट्स, लाइक आप उनसे अपना टाइम टेबल पूछ सकते हो, उनको उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि उन्होंने कैसे मैनेज किया था बोर्ड्स और नीट को, उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट करके अपने आप में भी इनकलकेट कर सकते हो। यू कैन आस्क विच बुक्स टू फॉलो, हाउ टू मेक नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें, एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, ये सारा आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही में बेटा द आइकॉनिक हैज बिकम ब्रांड न्यू, क्योंकि वहां पर मेधावी 2.0 आया है ना, यस, माय फ्रेश बैच इज नाउ एक्टिव ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक प्लेटफॉर्म। आइकॉनिक के बारे में मैं बता दूं, आइकॉनिक में बेटा अब आपको मिलेगी 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, जिसमें यू कैन गेट ऑन एन ऑडियो कॉल विद योर मेंटोर, आप उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं अकेले, यानी कि 1-to-1 और कोई नहीं होगा उस कॉल में। साथ ही में आइकॉनिक वालों को मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा आइकॉनिक पीपल दे विल गिव लाइव मेंटोरिंग सेशन, लाइव डाउट सेशन। तो मुझे लगता है कि यार अगर सब्सक्रिप्शन का प्लान करो, इट शुड बी आइकॉनिक ओनली, क्योंकि यार इसमें प्लस के तो सारे बेनिफिट्स हैं ही हैं, साथ ही में बेटा आपको मेंटोरशिप का भी बेनिफिट मिल जाता है। सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू, आप प्लस में भी 2 ईयर, 18 मंथ्स, 12 मंथ का ले सकते हैं, और साथ में आइकॉनिक में भी बेटा 2 ईयर, 1 ईयर, 18 मंथ्स ले सकते हैं। दोनों में आपको मेधावी 2.0 यानी कि मेरा बैच दिखेगा, इनफैक्ट सबके बैचेस दिख सकते हैं अगर आप कोड यूज़ करेंगे सीप लाइव, इससे आपको मॉनिटरी टर्म्स में भी बेनिफिट होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे बैचेज आ रहे हैं। इट्स अ कॉमन कोड फॉर ऑल द बैचेज, ऑल द एजुकेटर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। अल्फा लीडर्स बैच है, अचीवर्स प्लस बैच है एंड अचीवर्स बैच है, ठीक है, तो इन बैचेज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं।
हैं इस क्लास की पीडीएफ मैं अभी आपको भेज देती हूँ टेलीग्राम पर, प्लीज़ इसको रिवाइज करके आइएगा हमारी अगली क्लास में। आज दो बारी हम फिर से मिलेंगे, एक मिलेंगे 4:45 पे विद द क्वेश्चंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली, और एक बेटा हम मिलेंगे यस 7 PM पे ऑन यूट्यूब विद द NCERT रीडिंग ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा ठीक। चलिए डू रिवाइज इट एंड डू रीड योर NCERT, मैंने आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराया ताकि आप उस ग्राफ को अच्छे से समझ पाएं, बट ये आपके लिए ज़रूरी है, इस चीज़ पे ट्रस्ट रखिए। बाय बाय।